हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। इसमें बच्चों हम दो चीज़ों पर मेन फोकस करेंगे, एक वन वेरिएबल, एक टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, अगर हम कभी भी कोई भी चीज़ नंबर लाइंस पर प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा वन वेरिएबल को शो करती है। और मैंने आपको जो तीन एक्सरसाइज हमने करी उसमें देखा कि जो लाइन की इक्वेशंस आ रही थी, हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, वो हमारी टू वेरिएबल्स को शो करती है। यानी कि जो नंबर लाइंस पर पॉइंट होगा वो किसको दिखा रहेगा, वन वेरिएबल्स को, और जो लाइंस होंगी वो किसको शो करेंगी, हमारी टू वेरिएबल्स को। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, सपोज करो आपके पास कोई है एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है, माइनस फाइव। अगर मैं इसको नंबर लाइंस पर दिखाता हूं तो जीरो, इधर वन, यानी कि इधर आगे राइट में तो पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट में क्या होंगे, नेगेटिव। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, तो ये हो गया, ये आपका वन वेरिएबल को दिखा रहा है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, यहां पर y तो है नहीं, इसका मतलब आप कोई सी भी y की वैल्यू लो, चाहे एक लो, दो लो, तीन लो, यानी कि y की कोई सी भी वैल्यू लोगे, x की क्या वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं। क्लियर है ना? तो जब कभी भी आपको किस पर दिखाना है, टू वेरिएबल्स में, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव। तो आप क्या करें, माइनस फाइव पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है बच्चों, वाई के, क्योंकि आप है ना x की कोई भी, सॉरी y की कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे y की वैल्यू कुछ भी लो अपनी इच्छा से, x की वैल्यू नहीं बदलेगी। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, जब भी आपको x गिवन है और आपको टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो आप y एक्सिस के क्या कर दो, लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे, इसके पैरेलल y एक्सिस के। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऐसे कर दूँ, y प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फोर। अब देखो यहाँ पर अगर आप नंबर लाइंस की बात करते हो तो जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है? और अगर टू वेरिएबल्स की बात करें तो देखो भाई, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, क्या वाई को कुछ फर्क पड़ता है, भैया नहीं पड़ता, इसे फर्क ये तो हमेशा माइनस फोर ही रहेगा। तो जब भी आपको वाई इज इक्वल टू माइनस फोर है और आप उसको टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हमेशा जो लाइन होगी वो बच्चों एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरल होगी। ये याद रखना है बस। तो ये माइनस वन, सॉरी वन टू थ्री, नीचे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो इसके पैरेलल लाइन, कोई दिक्कत? ये y इज इक्वल टू माइनस फोर और ये हो गई x इज इक्वल टू माइनस फाइव। मतलब x गिवन है, टू वेरिएबल्स में दिखाना है, तो y एक्सिस के पैरेलल, और अगर y गिवन है तो किसके पैरेलल रखनी है, x एक्सिस के। आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई कि वन वेरिएबल्स कैसे दिखाने हैं और टू वेरिएबल्स कैसे दिखाने हैं? क्लियर है इतनी बात? तो जल्दी से इसे लिख लो, नोट कर लो, अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। दो क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलो बच्चों, लिख लिया क्या? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चनों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। चलो भाई देखते हैं हमारे पास। तो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स। तो आपके पास, हमारे पास है y इज इक्वल टू 3। तो ठीक है बच्चों, अगर मैं वन वेरिएबल में दिखा रहा हूँ, सबसे पहले इन वन वेरिएबल, तो नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, ये हो गया, सही है। टू वेरिएबल्स में कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर y गिवन है तो आप क्या करोगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, किसके पैरेलल, x एक्सिस के, भाई 1, इट्स 2 एंड 3, तो ये हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 3, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। ये किस में हो गया, n टू वेरिएबल्स, ये हमारा आ गया किस में, दो वेरिएबल में। अब हमें दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी, 9/2। तो पहले इसमें दिखाते हैं इन वन वेरिएबल, चलो बच्चों, तो नंबर लाइन अपना 0, तो इधर पॉजिटिव, माइनस 1,
-2, -3, -4, -5. तो ये जो 9/2 है एक्चुअल में ये माइनस का 4.5, तो ये जो 4 और 5 है कहीं इसके बीच में ही तो होगा, तो ये हो गया माइनस का 4.5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x गिवन है तो आप क्या करोगे, आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ये हो गया -1, इधर हो गया -2, -3, -4, -5, तो कहीं यहाँ होगा माइनस का 4.5, ड्रॉ कर दो लाइन, तो ये आ गया x = -4.5। तो जब भी आपको x गिवन है तो आप y के, और अगर आपको y गिवन है तो बच्चों आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, तो फटाफट इसको नोट करो। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।